हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएमएसीएस रोहन निंबाड़कर। लास्ट 12 ईयर से मैं सीएमए और सीए कोर्स के लिए अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो अभी मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूं, इस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको सीएमए कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितने टाइप के ट्रेनिंग है, वो कब करने पड़ते हैं, उसके रूल्स क्या है, और ये ट्रेनिंग आपको करने की कब जरूरत नहीं, उसके लिए रूल्स क्या बताए इंस्टीट्यूट ने, मतलब एग्जैक्टली पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आपको एग्जम्पशन कब मिलेगा, मतलब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने की कब जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो टिल द एंड ये वीडियो देख लेना। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने सीएमए कोर्स के बारे में जो डिटेल्स होते हैं कि सीएमए कोर्स में कितने लेवल से कौन सा सब्जेक्ट है, बाद में पैकेज कितना होता है, आगे स्कोप कितना, ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन किए मैंने, एक प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वो वीडियो देख लेना अगर आपको सीएमए कोर्स के बारे में कुछ पता ना हो। तो वो उसकी लिंक जो है वो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी होगी या कमेंट सेक्शन में दी होगी, तो चेक कर लेना, वो वीडियो भी देख लेना, आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे सीएमए कोर्स के बारे में। तो अभी फोकस करते हैं, अभी फोकस करेंगे ट्रेनिंग पे, राइट। तो चलो, तो ट्रेनिंग में कौन कौन से ट्रेनिंग है, तो यहां पे बताएं, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर 15 मंथ्स, वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको 15 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो कैसे, आगे मैं ये 15 मंथ्स ट्रेनिंग जो है वो लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले छोटे छोटे ट्रेनिंग देख लेते हैं। बाद में कंप्यूटर ट्रेनिंग 100 आवर्स एंड कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग 3 डेज, ठीक है। तो ये कब करने पड़ते हैं, इंटरमीडिएट। तो पहला ट्रेनिंग क्या है, कंप्यूटर ट्रेनिंग 100 आवर्स, तो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से कंप्यूटर ट्रेनिंग लिया जाता है या कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, मतलब इन शॉर्ट कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप में ये 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, कैसे बात करनी है, ओके, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये बातों या इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होता है। मतलब आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट करने से पहले या उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। फाइनल कंप्लीट करने से पहले आपको ये 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और कंपलसरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। वंस अगेन हम कह सकते हैं ये कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन रहेगा, जो आपको फाइनल का एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट या भरने से पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्लियर। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट में 2 ट्रेनिंग, पहला कंप्यूटर ट्रेनिंग और दूसरा क्या, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। कंप्यूटर ट्रेनिंग कितने आवर्स का होता है, 100 आवर्स, 100 घंटे का। तो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि वो 100 घंटे कैसे हो गए, मतलब 5 घंटे, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 5 घंटे एक दिन के, तो 20 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी, इस तरह से बताया जाएगा। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का डिस्कशन हम एंड में लेने वाले हैं। तो चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या दिए, स्टूडेंट शुड कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव रीजनल काउंसिल। जैसे कि पुणे की बात करते हैं, तो पुणे में एक चैप्टर है, ठीक है। बाद में आपके एरिया में जो भी काउंसिल होगा, जो भी चैप्टर होगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब 15 महीने की ट्रेनिंग के लिए वहां पे कॉन्टैक्ट नहीं करना है, क्लियर। डायरेक्टली ऑनलाइन आप फॉर्म फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने आपके पास में जो चैप्टर है सीएमए इंस्टीट्यूट का, जो ब्रांच है, वहां पे जाके कॉन्टैक्ट करना है फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आईओटीपी, क्लियर। तो ये हम बोल सकते हैं आगे। चलो अगला, A student is required to complete the prescribed training before filing the examination form for both group or remaining group. मतलब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जैसे कि इंटरमीडिएट के मैं 2 ग्रुप देना चाहता हूँ, आपको ये तो पता होगा इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप होते हैं, बाद में फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं। अगर ये नहीं पता है तो वंस अगेन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके डिटेल या इंट्रोडक्शन ऑफ सीएमए कोर्स, नो एवरीथिंग अबाउट सीएमए कोर्स, ये लेक्चर देख लेना, ओके, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग है ये इंटरमीडिएट में कंप्लीट करनी है, बट कब कंप्लीट करनी है, ये मेन क्वेश्चन वहां पे आ जाता है। कंप्यूटर ट्रेनिंग यहां पे आप देख सकते हो, तो ये कितने दिन की कंप्लीट करनी है, 100 आवर्स की, ये कब कंप्लीट करनी है, इंटरमीडिएट में आप 2 ग्रुप देना चाहते हो, तो आपका 2 ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरना है, उससे पहले ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने चाहिए। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने चाहिए, बट आप एक ग्रुप
जून अटेम्प्ट में देना चाहते हो एक ग्रुप दिसंबर में, या ऐसा उल्टा भी हो सकता है, दिसंबर में पहला ग्रुप देना चाहते हो, दूसरा ग्रुप जून में। तो ऐसी केस में अब जब सेकंड ग्रुप देने वाले हो, मतलब रिमेनिंग ग्रुप देने वाले हो, एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, रिमेनिंग ग्रुप देने वाले हो, तो रिमेनिंग ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फाइल करने से पहले आपको ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब आपका जो भी लास्ट रहेगा, मतलब आपको इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट करने से पहले, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। इस वजह से आप दोनों ग्रुप देने वाले हो, ठीक है, तो दोनों ग्रुप देने से पहले जो एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है उससे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। और आप एक एक ग्रुप करके देना चाहते हो तो पहले एक ग्रुप दे दो, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, पर सेकंड ग्रुप देने से पहले, मतलब इंटरमीडिएट का फाइनल ग्रुप या लास्ट ग्रुप देने से पहले आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, ये दोनों ट्रेनिंग मिला के। क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, आगे, स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन ऑफ ट्रेनिंग इन इंटर एंड फाइनल कोर्स हैज टू अप्लाई ऑनलाइन। तो मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूट के पास जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है कंप्यूटर ट्रेनिंग कितना है, 100 आवर्स का है ना, राइट? किसे कंप्यूटर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे कुछ दिया है जो MCA के स्टूडेंट्स है, बराबर, बाद में कंप्यूटर साइंस जिन्होंने कंप्लीट किया है, ओके, उनको करने की जरूरत नहीं है। आगे कैट क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बाद में मेंबर ऑफ सीमा ACCA, ये फॉरेन कोर्सेस से वो कंप्लीट किए हो। और मेन बात, अगर आप रेसिप्रोकल एग्जम्पशन इज ऑफर्ड फॉर स्टूडेंट और मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI, बट अगर वो सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मतलब इन शॉर्ट क्या है, आपने अगर CES में कंपनी सेक्रेटरी, ये जो कोर्स है उसमें अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की हो कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो आपको CMA में डबल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रूफ दिखा दो कि हमने कंप्लीट किया है, आपको इससे एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्लियर? आगे कम्युनिकेशन, तो ये कितने दिन की ट्रेनिंग है, 3 डेज। तो इस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, किसको करने की जरूरत नहीं, ऊपर जैसे लिखा था उसके जैसा ही थोड़ा सा एग्जम्पशन है कि कौन से ट्रेनिंग इंटरमीडिएट में कम्प्लीट करना है। पहला कौन सा था, 100 आवर्स का कंप्यूटर ट्रेनिंग, दूसरा कौन सा था, 3 डेज का कम्युनिकेशन स्किल वाला ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपको कब कंप्लीट करना है, बोथ ग्रुप देने हो, मतलब इंटर के बोथ ग्रुप देने एक साथ, तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले दोनों कंप्लीट होने चाहिए। और अगर आपको एक एक ग्रुप देना है तो पहला ग्रुप दे दो, उस वक्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सेकंड ग्रुप या रिमेनिंग ग्रुप देने से पहले आपका क्या होना चाहिए, ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल में ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फाइनल कोर्स, तो ये 7 डेज का है ना, IOTP, ये 7 डेज का है। तो इसमें सॉफ्ट स्किल बताए जाते हैं, वंस अगेन कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, इंटरव्यू स्किल, करियर प्लानिंग, ठीक है, तो ये सभी बातें, प्रेजेंटेशन स्किल बताया जाएगा। अभी यहाँ पे ये आपको कब कंप्लीट करना है, ये आपको कब कंप्लीट करना है, तो सिंपल बात है, जैसा आपने इंटरमीडिएट के लिए पढ़ा था, सुना था, अभी मैंने बताया ना कि दो ग्रुप देने हो तो दो ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, वैसे ही फाइनल में अप्लाई हो जाएगा। IOTP कब कंप्लीट करना है, आपका फाइनल बोथ ग्रुप देना चाहते हो ना, फाइनल में भी दो ग्रुप है, तो आपका बोथ ग्रुप देने से पहले आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक एक ग्रुप देना चाहते हो तो ठीक है, पहला ग्रुप दे दो, उस वक्त ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त IOTP आपने कंप्लीट नहीं किया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट जब फाइनल का आप लास्ट ग्रुप देने वाले हो, उस एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले या फिलअप करने से पहले आप IOTP कंप्लीट कर लेना, ये 7 डेज का प्रोग्राम या ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा दूसरे शीट में मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ चलो, तो प्रैक्टिकल, न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम, तो मैंने आपको मेन बता दिया, इंटरमीडिएट में दो ट्रेनिंग कंप्यूटर, दूसरा कौन सा है कम्युनिकेशन स्किल वाला, 3 डेज एंड 100 आवर्स, ओके, बोथ ग्रुप देना हो तो बोथ ग्रुप का फॉर्म भरने से पहले, और सिंगल ग्रुप दे दो तो लास्ट वाला ग्रुप देने से पहले, उसका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने, दोनों भी ट्रेनिंग कंप्लीट करने। और IOTP का एक्सप्लेन किया, फाइनल का बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको IOTP 7 डेज का कंप्लीट करना है। और अगर एक एक ग्रुप दे दो तो पहले ग्रुप के टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो भी चलेगा, बट लास्ट ग्रुप फाइनल का जो है वो देने से पहले आपका IOTP कंप्लीट होना चाहिए, उसके एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपका IOTP कंप्लीट होना चाहिए। इज इट क्लियर? अभी ट्रेनिंग स्कीम की तरफ चलते हैं, मेन यही बात है, न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम। तो न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो कितना है, 15 मंथ्स, कितना 15 मंथ्स,
किसके लिए 15 मंथ्स बताया है, फॉर एवरी स्टूडेंट हैविंग रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स ऑन और आफ्टर 11 फरवरी 2020। अगर आपका इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन, इंटरमीडिएट याद रखना, आपका रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट में 11 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद में हुआ है, 11 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है सीएमए कोर्स के लिए, तो आपको 15 मंथ्स एप्लीकेबल है। उससे पहले थोड़े से अलग रूल्स थे, क्लियर? तो अभी उस रूल्स के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, अभी जो रिसेंट है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं, क्लियर? तो कितना ओवरऑल टेन्योर, कितना 15 मंथ्स, 15 महीने का ट्रेनिंग करना है। कब, किसके लिए? 11 फरवरी या उस दिन पे या उसके बाद में जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है उनके लिए 15 मंथ्स है, क्लियर? अभी यहां पे कहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, कहां पे ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज, कहां पे ट्रेनिंग कर सकते हो 15 मंथ्स की? कॉस्ट अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, ओके, और कंपनी के असाइनमेंट्स ले सकते हैं, क्लियर? तो वहां पे वो इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट हो या उनकी फर्म हो तो वहां पे आप कर सकते हो ट्रेनिंग 15 महीने की। इन एरिया एनी अदर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटीज। तो एक अच्छी बात है, पता है क्या, कि आपको सीएमए के पास ही, जो सीएमए बन चुके हैं, जैसे मैं सीएमए बन चुका हूँ, नॉट नेसेसरी कि मेरे पास ही आपको आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। आप कंपनी में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, वो ट्रेनिंग भी यहाँ पे 15 मंथ्स की ट्रेनिंग में काउंट की जाएगी, क्लियर? मतलब आप अर्निंग के साथ, अर्निंग करते करते सीएमए एग्जाम दे सकते हो, पास हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहां पे आपको 15-20 हज़ार भी मिल रहा है, तो अच्छे से खर्चा निकल रहा है और साथ में आपका एजुकेशन भी चल रहा है, क्लियर? तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी काम कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहां पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, मतलब आप टीचिंग भी कर सकते हो, वहां पे भी अलाउड है, वो भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कंपनी सेक्रेटरी, याद रखना इसमें कंडीशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म में काम कर सकते हो या सीएस इंस्टीट्यूट की फॉर्म में काम कर सकते हो, अगर वहां पे उस फॉर्म में, सीए की फॉर्म में या सीएस की फॉर्म में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन हो अलग, मतलब उनका एक सेपरेट डिवीजन है, उसमें वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ सीए और सीएस का वर्क करते हैं ऐसा नहीं, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में वो सीए के पास, जिस सीए फर्म में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया जाता है, उस सीए फर्म में या उस सीएस फर्म में आपने काम किया 15 मंथ्स के लिए, तो वो भी काउंट होगा। किसके लिए काउंट होगा? इट विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ 15 मंथ ट्रेनिंग, ठीक है? तो लेकिन यहां पे एक बात बताई, सीए / सीएस आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ और इंटरटेन नॉट रिकॉग्नाइज फॉर सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सीए और सीएस में आप, सीए और सीएस फॉर्म में आप एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो और उनके पास मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है, तो आपका 15 मंथ्स का ट्रेनिंग काउंट किया जाएगा यहां पे सीएमए कोर्स के लिए। बट आप एज एन आर्टिकल वहां पे ज्वाइन करते हो, किसके लिए बोलो, सीए या सीएस कोर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के लिए आप जाते हो सीए या सीएस फॉर्म में, तो वो सीएमए कोर्स के लिए 15 मंथ्स का ट्रेनिंग माना नहीं जाएगा, क्लियर? मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो इंडिविजुअल बेसिस पे या फर्म बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विद टर्नओवर ऑफ ₹25 लाख इन केस सर्विस सेक्टर एंड ₹50 लाख इन केस ऑफ अदर देन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सीएमए, ओके, सीएस, सीए, डॉक्टर्स, ये सभी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 25 लाख का टर्नओवर, उससे ज्यादा टर्नओवर, तो ऐसी जगह पे भी काम कर सकते हो, वो 15 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए काउंट किया जाएगा। लेकिन वो सर्विस सेक्टर नहीं, वो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आता है, तो वहां पे 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय काउंसिल, तो वो काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी तो आपके सामने मैंने बता दिया कहां कहां पे काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है सीएमए कोर्स की, कि ऐसा नहीं है कि आप सीएमए के पास जाके ही ट्रेनिंग कंप्लीट करो। आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो या कहीं पे आपको अच्छा जॉब मिल रहा है, ठीक है, जो नीचे जो एरियाज दिए, एरियाज ऑफ ट्रेनिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग,
रेगुलेटरी कंप्लायंस, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉज, सिस्टम एनालिसिस, बहुत सारे एरियाज दिए। अगर आपका काम इसमें से कुछ हो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो जो ऊपर मैंने बताए थे, ठीक है। तो इससे आपको एक सैलरी, अच्छा खासा पैकेज भी मिल सकता है, और एट द सेम टाइम, क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे कि सीए और सीएस कोर्स में वहाँ पे कैसा है कि आपको सीए के पास ही आर्टिकलशिप करना पड़ती है, तो वहाँ पे कितना 4 to 5 thousand का आपको आर्टिकलशिप का, या मतलब कि हम उसे बोलते हैं स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, आप अच्छे कंपनी में जॉब कर सकते हो, वो ट्रेनिंग काउंट होगी, अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। क्लियर? मिनिमम सैलरी इंस्टीट्यूट ने जो बोली है मैं आगे पढ़ूंगा, बट वो कितनी है मिनिमम स्टाइपेंड, 8 to 10 thousand, ये मिनिमम बोला है। तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना, मतलब मिनिमम 10 thousand तो मिलेंगी, उससे भी ज्यादा अमाउंट आपको मिल सकती है, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो गया, अर्न एंड लर्न, कमाओ और सीखो, दोनों चीजें साथ में वहां पे हो जाती है। क्लियर? टीचिंग इन फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट, क्लियर। तो ये भी वहां पे है, जैसे कि मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हमारे टाइम पे ट्रेनिंग का इतना झंझट नहीं था कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन मैं टीचिंग अकाउंट्स का टीचिंग करता हूँ, तो 1.5 साल मैंने अकाउंट्स की पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ा है, ऊपर जो दिए थे लिस्ट भाई भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, तो उस केस में मेरी ट्रेनिंग काउंट हो जाएगी 15 मंथ्स की। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन शॉर्ट। हु आर अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान देना। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि कौन, जो इस स्कीम के हिसाब से 11 फरवरी, राइट, 11 फरवरी 2020 या उसके बाद में रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उनको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। हाउएवर स्टूडेंट टू बिकम एलिजिबल टू अपेयर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक से, ये ठीक से आपको फाइनल एग्जामिनेशन देनी है, मस्ट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑन सच कट ऑफ डेट एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। द कट ऑफ डेट फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ T5 शैल बी 31st August फॉर अपेयरिंग इन डिसम्बर एग्जामिनेशन विच शैल स्पेसिफाई कंप्लीशन ऑफ एट लीस्ट 10 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग एज ऑन दैट डेट। मतलब ध्यान दो, कट ऑफ डेट क्या होती है कि आपको दिसंबर में एग्जाम देनी है। कब देनी है एग्जाम, फाइनल की बोल रहा हूँ, फाइनल की एग्जाम कब देनी है, दिसंबर में देनी है, ठीक है। तो 31st August उसके लिए कट ऑफ डेट है। उससे पहले आपके 10 महीने कंप्लीट होने चाहिए ट्रेनिंग के, फाइनल के एग्जामिनेशन देनी है दिसंबर में, तो उसका कट ऑफ डेट कब है, 31st। उस वक्त कितने दिन कंप्लीट होने चाहिए आपके, 10 मंथ्स, उसके बाद में 5 महीने कंप्लीट किए तो भी चलेगा, बराबर। बट रिजल्ट आने से पहले आपका क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जाम ध्यान दो, 31st December को एग्जाम, सॉरी दिसंबर को एग्जाम दे दो, तो उससे पहले वाली कट ऑफ डेट कौन सी है, 31st August, बराबर। तो उससे पहले आपका कितना कंप्लीट होना चाहिए, 10 मंथ्स। टोटल कितना कंप्लीट चाहिए, 15 मंथ्स। आगे 5 महीने रिजल्ट से पहले कंप्लीट कर लो, क्लियर। मतलब जो ग्रुप फाइनल बचा है, लास्ट ग्रुप का रिजल्ट आने से पहले आपका 15 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए। आगे 10 मंथ्स द कट ऑफ डेट, ठीक है, फॉर अपेयरिंग इन जून, कितना है, 29 फरवरी। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया कि जून से पहले वहाँ पे हम कह सकते हैं मई, अप्रैल एंड मार्च, मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, 3 महीने पहले, दिसंबर से 3 महीने पहले, या हम कह सकते हैं जून से 3 महीने पहले कट ऑफ डेट है, क्लियर। तो 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, इज इट क्लियर, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देखो एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, फिर से 15 मंथ्स कंप्लीट करने ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ बोथ और रिमेनिंग ग्रुप। मतलब जो मैंने IOTP के लिए बताया था, बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो फाइनल एग्जाम रिजल्ट, सॉरी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले था ना, यहाँ पे सिर्फ चेंज किया रिजल्ट से पहले, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप का रिजल्ट आने से पहले 15 मंथ्स का ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हो तो लास्ट ग्रुप जो दे रहे हो ना, उसका रिजल्ट आने से पहले 15 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर। तो लेकिन उससे पहले आप जो लास्ट एग्जाम दे रहे हो ना, बोथ ग्रुप दे रहे हो या लास्ट एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसके दिसंबर में दे रहे हो, तो उसकी कट ऑफ डेट क्या है, 31st August, तो उससे पहले 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए मिनिमम, क्लियर। तो आगे, तो एग्जम्पशन किसे है, मतलब ये ट्रेनिंग 15 महीने की करने की जरूरत किसे नहीं है, जरूरत नहीं है, वो ऐसे क्या क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स
of the institute who is working or has already worked in any of the recognized organization as given in appendix A. मैंने जो organization पढ़े थे ना, educational institution था, state government था, या financial institution था, insurance company, okay, management consultancy wing, जिनके already आपने वहाँ पे काम किया है, उसका experience letter आप provide कर सकते हो, तो ऐसे case में आपको आगे की 15 months या अलग से 15 months करने की जरूरत नहीं है, आपके already 15 months हो चुके हैं. मतलब आपको जो फाइनल से पहले आपको 15 मंथ्स अलग से कंप्लीट करने पड़ते थे वो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यू वर्क्ड इन द क्वालिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने काम किया हो तो वो भी काउंट हो जाता है, आपको अलग से 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं. बट उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है T3, ठीक है, और कुछ पेमेंट करना पड़ता है. तो आपको एग्जाम आप दे सकते हो, उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ दो. ओके, ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ पे काम किया उनकी बैलेंस शीट. ओके, एंड सैलरी स्लिप दे दो, प्रूफ कि नहीं हमने ऑलरेडी 15 मंथ्स कंप्लीट किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अलग से 15 मंथ्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं. जिन्होंने बार बार बोल रहा हूँ इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप CMA कोर्स में आने से पहले या इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने से पहले भी आपने कहीं पे काम किया है, वो ऊपर जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है या अप्रूव्ड एरियाज है उसमें आ जाते हैं, तो आपको अलग से 15 मंथ्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं. वो एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप दिखाओ, आपको इंस्टीट्यूट 15 महीने के ट्रेनिंग से माफ कर देगी, आपको करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? आगे, अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है तो क्या करना है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया, इंस्टीट्यूट को तो बताओ ना, इंस्टीट्यूट को पता होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, 10 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 15 मंथ्स कंप्लीट हो गए. तो आप जब ज्वाइन करते हो तो इंटीमेट द इंस्टीट्यूट विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग. ज्वाइन जब करते हो, आपको कहीं पे जॉब मिल गया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में उसके 30 दिन में इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दो. और ऑनलाइन भरना है T1 फॉर्म, फॉर्म नंबर दिए वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही मिलते हैं. अब तो ये आपको सबमिट करना पड़ेगा. अगर फर्म के पास करना हो तो T1 है, अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन में करना हो तो T4, ऐसे वहां पे क्या की गाइडलाइंस बताए गए हैं. आप एम्प्लॉय बीच में चेंज कर सकते हो, क्या मतलब 7-8 महीने काम करने के बाद में आपको लगता है कि एम्प्लॉयर मतलब कंपनी चेंज करने कर सकते हो क्या? यस, इंस्टीट्यूट को फिर से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे आपने ऊपर T1 T4 फॉर्म भर के इंटीमेट किया था वैसे फिर से इंटीमेट करना पड़ेगा. अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या फर्म के पास काम करते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर काम करते हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में मिनिमम 2000, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है. ओके, उस कंपनी या उस फर्म के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 2000 फर्स्ट ईयर मिलेगा, 3000 सेकंड ईयर एंड 4000 थर्ड ईयर. लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो, मतलब CMA इंस्टीट्यूट छोड़ के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें कहीं पर काम करना चाहते हो, तो वहाँ पर मिनिमम फर्स्ट ईयर 8000. बट बड़ी सिटीज जो है, ठीक है, नीचे दिया है मेट्रोपोलिटन सिटीज जो है, ठीक है, उसमें 10,000 मिलेगा और बाकी सिटीज में मिनिमम 8,000. मतलब क्या आपको 20,000 मिल सकता है? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम 8,000 10,000 ये उससे ज़्यादा मिल सकता है. ठीक है, इससे कम तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है. ठीक है, मतलब आपका खर्चा भी चलेगा और एजुकेशन भी चलेगा. सेकंड ईयर में 10 and 12,500 और थर्ड ईयर में 12 and 15,000. ये डबल स्टार मार्क जो किया है वो कौन सी सिटीज के लिए? मेट्रोपोलिटन सिटीज के लिए है. क्लियर? आगे, स्टाइपेंड इंडिकेटेड अबव इज मिनिमम प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो उस केस में प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स हाइएस्ट स्टाइपेंड, मतलब इससे भी ज्यादा वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट को बिल्कुल भी नहीं है. आप ट्रेनिंग में लीव कितनी ले सकते हो? 60 डेज की विदाउट पे लीव ले सकते हो, 60 डेज तक माफ है. मतलब आपने 60 डेज की छुट्टी ली तो भी आपको 60 डेज आपके 15 मंथ्स के में काउंट किए जाएंगे. ऐसा नहीं कि छुट्टी ले ली तो आपका ट्रेनिंग बढ़ता जाएगा, लेकिन 60 डेज के ऊपर आप छुट्टी लेते हो तो उतने दिन आपको एडिशनली काम करना पड़ेगा 15 मंथ से ऊपर, तो 60 दिन तक छुट्टी अलाउड है. क्लियर? वर्किंग आवर्स वीक में 35 आवर्स की अप्रोक्सीमेटली आपकी ट्रेनिंग चलनी चाहिए, उतनी तो चलनी ही चाहिए मिनिमम. आगे, आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए इतनी यूजफुल नहीं है. ठीक है, तो चलो, होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग के बारे में. तो मैं अगर समराइज कर दूँ तो ट्रेनिंग आपको 4 टाइप के है. इंटर में 2, पहला कौन सा, 100 आवर्स कंप्यूटर
कंप्यूटर ट्रेनिंग, दूसरा कौन सा था कम्युनिकेशन स्किल 3 डेज का, कब करना है, दो ग्रुप देने हैं तो दो ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ही कंप्लीट करना है, और एक एक ग्रुप देना है तो पहले ग्रुप के टाइम पे कंप्लीट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो एटलीस्ट सेकंड ग्रुप देना है ना इंटरमीडिएट का, उससे पहले तो आप कंप्लीट कर लो। ये हो गया इंटरमीडिएट का। फाइनल में अब जाते हो तो फाइनल के लिए क्या है IOTP, कब करनी है, दो ग्रुप देते हो तो दो ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो पहले ग्रुप के टाइम पे नहीं किया तो भी चलेगा, बट सेकंड ग्रुप के लास्ट ग्रुप जो है फाइनल का उससे पहले, फाइनल का फाइनल के ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट ग्रुप से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले IOTP कंप्लीट करना पड़ेगा। बाद में 15 मंथ्स का मैंने आपको क्या बता दिया, 15 मंथ्स किसके लिए अप्लीकेबल है, जिनका 11 फरवरी 2020 उस दिन या उसके बाद में इंटरमीडिएट में एडमिशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको कितना करना है 15 मंथ्स। क्लियर? तो 15 मंथ्स के लिए मैंने क्या बताया था, कब, तो आपका बोथ ग्रुप देने वाले हो तो उसका रिजल्ट आने से पहले 15 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए, या एक एक ग्रुप दे रहे हो तो लास्ट वाला जो ग्रुप है फाइनल का उसका रिजल्ट आने से पहले 15 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए, बट उसके लिए कट ऑफ डेट रखिए। अब डिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 31 अगस्त 3 महीने पहले आपका क्या है 10 मंथ्स का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर। और जून के लिए फरवरी का कट ऑफ डेट था तो ये कंप्लीट होना चाहिए। बाद में कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन से एरिया में आपको काम करना है, ये भी आपको बता दिया। ऑलरेडी आपने वैसा काम किया है तो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग काउंट हो जाएगी, अलग से करने की जरूरत नहीं है। सैलरी मैंने आपको बता दी, 2000, 3000, 4000 इस तरह से सैलरी थी। CMA के पास काम करते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर आप कॉर्पोरेट में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तो 8000, 10000 फर्स्ट ईयर में, 10000, 12500। ये जो डबल स्टार मार्क की है वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मतलब बड़ी सिटीज में, ये वहां पे हम कह सकते हैं आपको पेमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट बहुत अच्छा खासा, ये मिनिमम है, इससे हायर मिल सकता है क्या, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छा पेमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आप CMA की वेबसाइट पे आते हो तो और एक जानकारी मिलेगी कि आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्कीम में CMA की वेबसाइट पे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग कर सकते हो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, आपने बाकी ऑर्गेनाइजेशन में किया तो उसका एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो, बट ऑलरेडी जो CMA इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड है उनका मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपके, आपने उस ऑप्शन में चले गए तो आपको आपकी सिटी के हिसाब से पता चलेगा कि आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, वो इंस्टीट्यूट या वो कंपनीज ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो मैं पुणे सिलेक्ट करता हूँ इसमें से, सबमिट। तो देखो पुणे के यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज अलायंस, बाद में हम कह सकते हैं सुजलॉन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसका एड्रेस हो गया, सभी चीज़ें दिए, फिनोलेक्स, सैयदी इंडस्ट्रीज, ब्लू बर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये लिस्ट है, ये सिर्फ उन्होंने डायरेक्शन के लिए दिए, इससे अलग इंस्टीट्यूट हो बट वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं जो हमने पढ़े वो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो क्या ट्रेनिंग, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? होप सो कि वहाँ पे क्या कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस पर आपको स्टडी रिलेटेड, मतलब क्या है कि टीचिंग रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे जो रिवीजन लेक्चर्स है, मैराथन लेक्चर्स है, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप सिर्फ चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको CMA से जुड़े लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर? और अगर फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को CMA कोर्स या उसके क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर? भले वहां पे क्या है कि लाइव में, वीडियो क्लासेस में चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।